आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ में पूर्व सांसद उमाकांत यादव की 1,81,500 की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने गुरुवार को कुर्क कर ली। गैंगस्टर एक्ट के तहत जिलाधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया था। तहसीलदार फूलपुर के नेतृत्व में प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ये कार्रवाई की। प्रशासन ने तहसील के 7 गांव में 16 स्थानों पर ये कार्रवाई की। सुबह 11 बजे शुरू हुई कार्रवाई देर शाम तक जारी रही। दीदारगंज थाना क्षेत्र के चकगंज आलीसा सरावा गांव निवासी उमाकांत यादव पुत्र श्रीपति एक बार सांसद रहे व 4 बार विधायक रहे। प्रॉपर्टी का तहसीलदार फूलपुर को संरक्षक नियुक्त किया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। अंबारी में गांधी आश्रम की भूमि पर कब्जा करने के मामले में नैनी जेल में बंद है। पुलिस ने पुराने मामले को संज्ञान में लेकर 1 साल पूर्व गैंगस्टर में कार्रवाई की थी। पूर्व सांसद पर आरोप है कि उनके द्वारा गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप द्वारा यह संपत्ति अर्जित की गई है। डीएम के आदेश धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में पारित आदेश के क्रम में कार्यवाही हुई। जिलाधिकारी आजमगढ़ विशाल भारद्वाज के आदेश के क्रम में तहसीलदार फूलपुर संजय कुमार कुशवाहा, सरामीर थाना अध्यक्ष विवेक कुमार पांडे के साथ काफी संख्या में पुलिस फोर्स ने ये कार्यवाही की। थाना सरामीर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 29/21 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के हिस्ट्री शीटर अभियुक्त उमाकांत यादव पुत्र श्रीपत यादव निवासी चक गंजली शाह थाना दीदारगंज के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए माननीय जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। उक्त रिपोर्ट में आपराधिक कृत्यों से अर्जित 14 भूखंड के जब्तीकरण का अनुरोध किया गया था। उक्त भूखंड की कीमत 1,01,81,500 आंकी गई थी। उक्त अनुरोध पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा 9/5/22 को जब्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे। उक्त आदेश के अनुपालन में आज तहसीलदार फूलपुर, थाना प्रभारी सरायमीर, प्रभारी निरीक्षक फूलपुर, थानाध्यक्ष दीदारगंज और उनकी टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर भूखंडों का चिन्हांकन करते हुए उसे प्रशासन के कब्जे में लिया गया है। थाना सरायमीर व जनपद आजमगढ़ पुलिस की गैंगस्टर व माफियाओं के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत। नमस्कार।